हाल में उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक गंगा में ऐसे सॉन्ग देखने को मिले। गाजियाबाद से लेकर कन्नौज, उन्नाव, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया जैसे जिलों से ये सॉन्ग बहते आ रहे हैं। बिहार में भी कई जगहों से ऐसी खबरें हैं। जाहिर है ये सब उन शहरी या ग्रामीण इलाकों से ही नदी किनारे ऊपर ही ऊपर दफनाए या बहाए गए होंगे जो गंगा किनारे पड़ते हैं। कफन में लिपटी लाशें अगर बह रही हों, किनारे लग रही हों, अध जली हों, छत विशत हो चुकी हों, जानवर नोच रहे हों, तो इससे ज्यादा विभत्स क्या हो सकता है। शवों को इस तरह बहाने दफनाने की घटनाएं मीडिया में आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार को नोटिस जारी किए। आयोग ने जो सवाल पूछे और चिंता जताई वह तो ठीक है, लेकिन शव की गरिमा और मानव अधिकारों का जो मुद्दा उठाया उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते बिहार के बक्सर जिले के चौसा में ऐसे ही 71 शवों को पोस्टमार्टम के बाद दफनाने की बात सामने आई थी। उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे पड़ने वाले जिलों के हालात तो और रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। कन्नौज में गंगा किनारे 350 से ज्यादा, उन्नाव में 900 से ज्यादा, गाजीपुर में 300, कानपुर में 400 से ज्यादा शव नदी किनारे दफन मिले। सवाल है कि हाल ही में अचानक ऐसा क्यों होने लगा। माना जा रहा है कि ये शव उन लोगों के हैं जो कोरोना संक्रमित थे और इनके परिजनों की हैसियत अंतिम संस्कार का खर्चा उठाने की भी नहीं थी। कोरोना संक्रमितों के अंतिम संस्कार के लिए शमशानों में जिस तरह से लूट खसोट मची है, मोटी रकम ऐंठी जा रही है और घंटों कतार में लगना पड़ रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन जिलों में यह सब देखने को मिल रहा है वे महामारी की चपेट में, भले सरकारें कितने दावे क्यों ना करती रहें कि ग्रामीण इलाकों में हालात काबू में हैं, इलाज के सारे बंदोबस्त हैं, लेकिन लाशों के ये ढेर असलियत उजागर करने के लिए काफी है। अब इसमें ज्यादा शक नहीं बचा कि संक्रमण की जांच, इलाज से लेकर अंतिम संस्कार तक में सरकारों ने जो लापरवाही दिखाई ये उसी का नतीजा है। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए।